मैं तो एक खुशी के लिए मिठाई लेके आया कि पंडित रामाकृष्ण नहीं जीत पाए, तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात थी। बट गुरु जी भड़के हुए थे, मुझे नहीं पता था। मैं तो बड़े प्यार से अपने पैसे खर्च करके उनके लिए लड्डू लेकर आया हूँ, और लड्डू देने की कोशिश की, उन्होंने लड्डू उठा के फेंक दिया। मैं भी शॉक हो गया कि गुरु जी को क्या हो गया, मैं तो गुरु जी के विरुद्ध भी नहीं हूँ। उन्होंने फिर हमारा गलत इंजाम लगाया कि आप हमारे दुश्मन के साथ हो। तो धीरे धीरे गुरु जी नाराज़ होते गए, और उसके बाद उन्होंने ना जाने मुझे क्या क्या नहीं बोल दिया। तो फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, और जब संभाल नहीं पाया तो फिर उसके बाद एकदम से प्रॉब्लम शुरू हो गई। छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही हुआ है। आप सबके सामने ऐसा हुआ है, ऑडियंस के लिए बहुत अलग होगा, क्योंकि 2 साल में धनी मनी हमेशा साथ है, उनकी सोच एक जैसी है, उनके हरकतें एक जैसी हैं। पहली बार ऐसा होगा कि गुरु जी का साथ मैं छोड़ के उनके विरोधी यानी पंडित रामकृष्णा का शिष्य बनने जा रहा हूँ। बनूंगा नहीं बनूंगा ये नहीं पता, मैंने बोल दिया जोश जोश में कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के, और मुझे नहीं रहना। क्योंकि इस दौरान मेरे जो दोस्त बना है, जो धनी, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उसने इसलिए छोड़ दिया मेरा साथ कि अगर ये चला गया तो जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे हक में आएंगी, और पहले आधा आधा होता था, अब पूरा उसको मिलेगा। तो अपने कहीं ना कहीं प्लानिंग में है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग गया कि गुरु जी ने मुझे कुत्ता कहा, मुझे उल्टा सीधा बोला, तो वो शायद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा, अभी तो मैं निकल गया हूँ, उन्होंने मुझे निकाला है, और मैं खुद भी निकलना चाहता था। मैं उनके प्रभाव से, उनका जो तरीका था, उससे मैं बहुत परेशान हो चुका था। रोज़ रोज़ की कित 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 कित, अब हमेशा के लिए छुटकारा मिला, और मैं चला गया हूँ पंडित रामकृष्ण के पास। ऑडियंस देखेगी आगे क्या होगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अलग एक जोन रहा 2 साल के अंदर, की धनी मनी अलग हो गए, दोहनसों का जोड़ा अलग हो गया। और धनी ने ऐसी चाल चल ली, उसी में मतलब गर्म लोहे पे हथौड़ा मार दिया उसने कि भाई गुरु जी से धन मनी की लड़ाई हो गई है, एक दूसरे को उन्होंने उल्टा, उसने एक लाइन से गुरु जी को भड़का दिया। उन्होंने मुझे कुत्ता बोला, मैंने उनको बोला कि आपने मुझे कुत्ता बोला, उसने बोला नहीं इसने आपको बोला। और इस तरीके से जो ये लड़ाई का जो पारा था, धीरे 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 यहाँ पहुँचा, और फिर मेरे हाथ से गुरु जी को थप्पड़ लग गया। वो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मतलब गलती कुछ भी नहीं थी, और वो बहुत बड़ा एक पहाड़ बन गया, छोटी सी राई का पहाड़ बना है, और मैं छोड़ के जा रहा हूँ गुरु जी को। ऑडियंस के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि तथाचार्य के शिष्य धनी और मनी चला गया उनके दुश्मन पंडित रामकृष्णा के पास।